तो अभी आप देख पा रहे होंगे, अगर मीटर अब अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे ये जो इसका जो पॉइंट दिया हुआ है ये ब्लिंक कर रहा है, ये देखिए। और बैटरी देखिए आप, पूरी फुल चार्ज है, 51 वोल्टेज। वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल एसआर सचिन एसआर। आज काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर के हूँ मैं आप लोगों के साथ। तो अभी आपने जैसा कि देखा है कि इलेक्ट्रिक स्कूटर में एक प्रॉब्लम आई है, और वो प्रॉब्लम काफ़ी ज़्यादा यूनिक है, जो कि कई सारे लोगों ने इसको कवर नहीं किया है आज तक का, किसी ने भी नहीं बताया होगा। तो आज हम लोग आपको समझाएंगे इसको कैसे डिस्प्ले को सही करते हैं और इसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो उसको कैसे सही करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, जो बगल में बेल आइकन दिखाई पड़ रहा है उसको प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाली लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। यहाँ पर फ्रेंड्स आप देख पा रहे होंगे 48 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है इसमें, और ये 51 वोल्ट फुल चार्ज है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। और यहाँ पर अभी मैंने 0.5 किलोमीटर रन किया, जैसा कि अभी मैंने आपको दिखाया था। उसके बाद यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे बिल्कुल भी ये जो जिसमें आपका बैटरी मीटर है, जो कि बैटरी इंडिकेट करता है, वो देख पा रहे होंगे लो बैटरी दिखा रहा है, और लो बैटरी दिखाने के साथ साथ यहाँ पर ब्लिंक भी कर रहा है। तो ये वाला जो है इंडिकेशन आपका ब्लिंक कर रहा है, और इसका मतलब होता है कि बैटरी ख़त्म हो जाना। बैटरी ख़त्म हो जाने का मतलब ये है कि अगर आपकी पूरी बैटरी डेडली कंडीशन में चली गई, लेकिन यहाँ तो मेरी बैटरी फुल चार्ज है और यहाँ पर जो है आपको डेडली कंडीशन में दिखाई दे रही है बैटरी। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे फ्यूल का भी इंडिकेशन कर रहा है कि आपकी बैटरी जो है ख़त्म होने वाली है। तो फिर अभी हम लोगों को क्या करना होगा, सबसे पहले यहाँ पर ये मीटर पहले सही चल रहा था, फिर उसके बाद अभी ये प्रॉब्लम क्रिएट हो गई है। तो चलिए सबसे पहले मीटर को हम लोग ओपन करते हैं, ओपन करने के बाद देखेंगे कि इसमें क्या प्रॉब्लम आई है। तो सबसे पहले हम लोग फ्रंट को ओपन कर लेते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे इसको मैंने ओपन कर लिया है, इसके वायरिंग निकाल लेते हैं। तो कपलर से कपलर मैच करा करके वायरिंग को निकाल लेते हैं। अगर आपको नहीं समझ में आता है तो आप एक बार फ़ोटो भी इसकी क्लिक कर सकते हैं, फिर उसके बाद हम लोगों को इसका मीटर जो है निकालना ही होगा। और अगर मीटर नहीं निकालते हैं तो यहाँ से ये जो प्लग दिया हुआ है, ये देख पा रहे होंगे ये रेड कलर का प्लग दिया हुआ है, अगर आप इसको सर्च करेंगे तो ये आपको जो भी इसमें लिखा होगा वो दिखाई देगा। तो प्लग को अभी हम लोग निकालते हैं और यहाँ पर देखिएगा आपका जो इंडिकेशन है वो सही हो जाएगा। देख पा रहे होंगे अभी ये फुल दिखाने लगा है, तो ये अभी 48 वोल्ट पे कनेक्ट हो चुका है। जी हाँ फ्रेंड्स, ये पूरा 48 वोल्ट पे कनेक्ट हो चुका है। अभी आप देख पा रहे थे कि अभी इसमें जो है 60 वोल्ट पे ये कनेक्ट था, और अभी ये 48 वोल्ट पे कनेक्ट हो गया है। और जो इसकी वोल्टेज, जो फुल वोल्टेज है, वो देख पा रहे होंगे 51 वोल्टेज है। केवल आपको कुछ करना नहीं है, केवल आपको दो तार को हटाना है और आपका मीटर एकदम एक्यूरेट दिखाने लगेगा। तो चलिए एक बार फिर से हम इसको टच करा करके दिखाते हैं। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे लिखा भी रहता है कि अगर 60 वोल्ट पे अगर आपका जो है 48 पे डिसकनेक्टेड है और 72 पे डिसकनेक्टेड है, और कनेक्टेड जो है 60 वोल्ट है। अगर हम इसको एक बार कनेक्टेड कर देते हैं तो देख पाएंगे अभी यार, तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे फिर से ये ब्लिंक करने लगा है, वैसे ही हो गया है जैसे कि पहले था। तो इसमें किसी मिस्त्री ने जो है यहाँ पर ये कनेक्ट कर दिया था, सोचा कि उसमें तार निकला हुआ है और इसको कनेक्ट कर दिया, इस वजह से ये ऐसा हो गया। तो यहाँ पर जो है ऐसा हो सकता है कि कोई भी मिस्त्री इसको अटैच कर सकता है। तो आप कैसे सही करेंगे, आप ऐसे ही सही करेंगे और बिल्कुल भी सही हो जाता है, एक्यूरेसी दिखाने लगता है, और ये अब 48 वोल्ट पे कनेक्ट हो गया है। अब आप चाहे जितनी रेस लें, ये देखें कोई दिक्कत नहीं आने वाली आपको। थर्ड गियर पर लगा रखा है मैंने, तो फ्रेंड्स देखा कि आपने कैसे 60, 72 और 48 में जो है ये मीटर चेंज किया जाता है। तो अभी हम लोग फिर से इसको पैक कर लेंगे, और बिल्कुल भी आप घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, खाली एक तार आपको हटाना है। इसी तरीके का एक तार और भी होता है, वो स्पीडो का होता है। अगर आपको स्पीड बढ़ाना है या कम ज़्यादा करना है तो ये देखिए एक दूसरा तार भी आया रहता है। अगर हम लोग इसको अटैच कर देंगे तो सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं कि इसमें स्पीड कितनी आ रही है। इसमें स्पीड जो है अभी इस समय आ रही है 33 की स्पीड आ रही है फर्स्ट गियर पे। अगर हम थर्ड गियर पे लगाते हैं इसको तो देख पा रहे होंगे 48 की टॉप स्पीड आ रही है। अगर अभी हम इसको कनेक्ट कर देते हैं, देख पा रहे होंगे जैसे कि अभी हम लोग कनेक्ट करने जा रहे हैं इसको, तो
जैसे इसको कनेक्ट कर देते तो देख पा रहे होंगे फुल टॉप स्पीड जो है 24 दिखाई दे रहा है यहाँ पे। तो अभी हम लोग इसको पैक कर लेते हैं, कोई दिक्कत समस्या नहीं आने वाली।